हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षास परफेक्ट plate एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अपना इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं या करने वाले हैं और आज मेरे किचन में बनने वाला है ट्राई कलर सैंडविच रेसिपी थ्री डिफरेंट कलर्स में इसे हम बनाएंगे ऑब्वियसली जो हमारे फ्लैग्स में होते हैं और ये रेसिपी आप बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में दे सकते हैं क्योंकि आजकल मोस्टली स्कूल्स में ऐसे कॉम्पिटिशन होते रहते हैं कि हमें ट्राई कलर फ़ूड्स लेके जाने होते हैं मतलब बच्चों को तो आप ये रेसिपी झटपट से थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ रात में अगर कर लेंगे तो झटपट से ये रेसिपी आप उनको बता बना के दे सकते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएगी और सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहाँ चेक कर लीजिएगा बहुत इजीली सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर में मिल जाएंगे तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है सबसे पहले हमें ग्रीन चटनी प्रिपेयर करनी है जिसके लिए मैंने एक मिक्सी के जार में डाला है लहसुन और हरी मिर्च तो पाँच छः लहसुन तीन चार हरी मिर्च और थोड़े से धनिया के पत्ते लगभग अ हैंडफुल ऑफ धनिया का पत्ता मैंने थोड़ी स्टेम के साथ डाल दिया है और इसमें डालेंगे थोड़े से आइस क्योंकि आइस डालने से जो चटनी है वो काली नहीं पड़ती है और इसके साथ डालेंगे लेमन जूस लगभग एक टीस्पून जितना लेमन जूस डाला है अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और साथ में मैंने डाला है जीरा पाउडर और नमक और इसको बंद करके इसको पीस लेंगे एक चटनी बना लेंगे इसकी बेसिकली तो इसको मैं पीस लेती हूँ पहले और ये देखिए हमारी जो चटनी है वो रेडी है बेसिकली ये जो ग्रीन कलर आएगा हमारी सैंडविच में वो इसी से आएगा तो चटनी तो रेडी है इसको रखते हैं साइड में और अपना सेकंड कलर प्रिपेयर करते हैं जो है ऑरेंज कलर तो उसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी ली है इसमें डाल रही हूँ मैं टमाटो केचप ये देखिए तो आप टमाटो केचप की जगह शेजवान चटनी जो आती है ना उसका भी यूज़ कर सकते हैं बट वो थोड़ी सी स्पाइसी होती है और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग एक बड़ा चम्मच मेयोनीज और साथ में ग्रेटेड कैरेट्स डालूंगी मैं तो ये देखिए एक कै केरट को मैंने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था और इसको इसमें मिक्स कर दिया और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा ऑरेंज कलर भी बिल्कुल रेडी है ये देखिए और इसको रखते हैं साइड में देखिए कितना बढ़िया ऑरेंज कलर आया है और साइड में रखते हैं और चलते हैं अपने सैंडविच को प्लेस करने की तरफ तो मैंने यहाँ तीन ब्रेड के स्लाइसेज लिए हैं ये एक के ऊपर एक हम रखने वाले हैं और तीनों स्लाइसिस में मैं बटर स्प्रेड कर दूँगी तो बटर जो है वो ऑप्शनल है आ, बट इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे सैंडविच में तो मैं इसमें लगा रही हूँ बटर ये देखिए तो अच्छे से बटर स्प्रेड कर लीजिए और कंजूसी मत करिएगा जितना ज़्यादा बटर लगाएंगे उतना टेस्टी आपका सैंडविच बनेगा और अब एक स्लाइस पे मैं लगा रही हूँ जो हमने कैरेट वाला रेडी किया था ना कैरेट कैचअप और मेयोनीज़ वो और इसके ऊपर लगा दिया है मैंने ब्रेड का स्लाइस और इसके ऊपर भी एक मैं बटर लगा रही हूँ और अब इसके ऊपर लगाएंगे अपनी ग्रीन चटनी जो हमने रेडी की थी तो ऑरेंज कलर हो गया अब ये रहा हमारा ग्रीन कलर ये देखिए तो अच्छे से ग्रीन चटनी को स्प्रेड कर देंगे मैं इसमें कोई भी स्पाइसेस या सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने चटनी में ऑलरेडी नमक डाला था थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला था प्लस हमारे जो केचप है सॉसेज़ है उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है प्लस बटर में भी सॉल्ट होता है तो मैं इस सैंडविच में कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करीं सॉल्ट मतलब और इसके ऊपर रख देंगे हम खीरा तो मैंने यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में खीरे को काट लिया है और इसको मैं इस पर प्लेस कर दूँगी और साथ में डाल रही हूँ मैं कैप्सिकम तो मैंने बारीक बारीक काट के इसके ऊपर कैप्सिकम भी प्लेस कर दिया है आपको अगर शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं है तो आप शिमला मिर्च को स्किप भी कर सकते हो बट मैंने बहुत पतला पतला काट के डाला है तो उतना टेस्ट में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा बल्कि ये खाने में और अच्छा ही लगेगा और इसके ऊपर गया हमारा थर्ड ब्रेड का स्लाइस ये देखिए इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसके ऊपर भी लगा देंगे बटर तो ये देखिए अच्छे से अगर आपका बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा तो सैंडविच बनाने से कुछ देर पहले आप अपना बटर बाहर निकाल दें फ्रिज से तभी ये इजीली स्प्रेड हो पाएगा तो हमारा एक सैंडविच बिल्कुल रेडी है सेकंड सैंडविच में भी यही चीज़ करेंगे बट मैं इसमें चीज़ लगा दे रही हूँ चीज़ स्लाइस आप अपनी पसंद से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं देखिए तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है जो खीरे वाली लेयर थी उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है सेकेंड वाले सैंडविच में ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाए तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से अपना सैंडविच बना सकते हैं और इसके ऊपर भी मैंने चीज़ स्लाइस लगा दिया है और ब्रेड का स्लाइसिस के ऊपर लगा दिया है इसके ऊपर भी मैं लगा दूँगी अपना बटर तो चीज़ जैसा मैंने कहा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और अब चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में तो मैंने यहाँ तवा गर्म करने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा बटर अच्छा से बटर को स्प्रेड कर दीजिए ये देखिए आप बटर की जगह घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आपकी चॉइस है और इसके ऊपर रख देंगे अपने दोनों सैंडविचेस को ये देखिए आप इसे ना तवे की जगह ग्रिलर में टोस्टर में किसी में भी टोस्ट कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो उससे टेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और अब सैंडविचेस को दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया ऑरेंज और ग्रीन कलर दिख रहा है तो अच्छे से जब ये टोस्ट हो जाए उसके बाद हम इसे उतार लेंगे तो लगभग एक साइड को होने में दो तीन मिनट लग जाएंगे स्लो फ्लेम पे फ्लेम स्लो ही रखेगा वरना वो जल जाएंगे हमारे जो ब्रेड है वो क्रिस्पी नहीं होंगे तो मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रही हूँ इसे अगर आपको पसंद है बहुत ज़्यादा ब्राउन और क्रिस्प तो आप उसे उतना कर सकते हैं बट दो मिनट में ये इस लेवल तक पहुँच गया है तो बहुत जेंटली इसको टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से सीखने देंगे एंड सॉरी फॉर माई सॉरी फॉर माई वॉइस थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो गया है और ये देखिए हमारा जो सैंडविच है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है दोनों तरफ से क्रिस्प हो गया है और इसको मैं निकाल लेती हूँ ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा सैंडविच तो इसको मैं निकाल लेती हूँ अलग ये देखिए इसको मैं कट करके दिखाती हूँ कैसे हमारे तीनों कलर्स अलग अलग दिख रहे हैं तो बहुत इजीली इसे कट करिएगा ये देखिए अगर आप इसे ग्रिलर में ग्रिल करते हैं ना तो इसकी जो लेयर्स हैं वो आपस में बहुत अच्छे से चिपक जाएंगी और ये देखिए ग्रीन और ऑरेंज और कलर कितना बढ़िया लग रहा है हमारे सैंडविच में ये कैमरा में इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाया है जितना अच्छा ये रियल में लग रहा था और रेडी है हमारा ट्राई कलर सैंडविच आप इस सैंडविच की रेसिपी को इस इंडिपेंडेंस डे ज़रूर बनाएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर और हाँ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल अगैन बाय बाय